5 amazing MS Office tricks engineers के लिए without wasting any time. Let's start. If you like anything in this video, please like, subscribe and share this channel. सबसे पहले हम एक ऐसे सिंबल का शॉर्टकट जानेंगे जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डाया सिंबल। डाया सिंबल का यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड पर Alt+0 216 टाइप करेंगे। जब हमें किसी शाफ्ट या पिन का डाया लिखना होता है तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डाया सिंबल। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है प्लस माइनस के सिंबल के लिए। By typing Alt+0 177 on keyboard, we can easily get plus minus symbol. प्लस माइनस के सिंबल का यूज इंजीनियरिंग टॉलरेंस जोन को दिखाने के लिए किया जाता है। थर्ड शॉर्टकट का यूज एक साथ सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। By the use of Windows+M, we can easily minimize all the application in one time. फोर्थ शॉर्टकट का यूज स्क्रीन को दो भागों में स्प्लिट और डिवाइड करने के लिए किया जाता है। By the use of Windows+arrow key, we can easily split the screen into two parts. जब आपको एक साथ दो स्क्रीन पर काम करना हो तब यह ट्रिक काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिफ्थ शॉर्टकट का यूज तब किया जाता है जब हमारी स्क्रीन, सिस्टम या कोई एप्लीकेशन काम करना बंद कर दे या नॉट रेस्पॉन्डिंग कंडीशन में चली जाए, उस समय हम इस शॉर्टकट की हेल्प से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड पर टाइप करना होगा Ctrl+Shift+Escape। टास्क मैनेजर को ओपन होने के बाद हम किसी भी ऐप को ईजिली क्लोज कर सकते हैं, चाहे वो नॉट रेस्पॉन्डिंग कंडीशन में ही क्यों ना हो। थैंक यू।